ठीक है। अब ये देखो, अब कैरेक्टर कोड इज न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, असाइंड टू ईच कैरेक्टर और सिंबल इन ए कैरेक्टर सेट, फैसिलिटेटिंग देयर स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग इन डिजिटल सिस्टम सच एज कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़े। या आ गया, अब आ गया ASCII। ASCII वाज एस्टेब्लिश इन 1963 फॉर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब इससे पहले ये लोग बाइनरी पे काम कर रहे थे, ये इन्होंने इसीलिए किया ताकि इनको पता था आने वाले यूजर बाइनरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। जो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए थे ना, प्योर बाइनरी फॉर्म पे चलते थे, क्योंकि जिन्होंने इन्वेंट किया था वही चलाते थे, आम यूजर तो चला ही नहीं सकता था। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर भी 70s के बाद आए ना, रिवाइज वर्जन ऑफ एस्की वाज पब्लिश इन 1986। ठीक है, एक्सटेंडेड एस्की। अच्छा सर, वो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था अबाउट दिस कंप्यूटर कॉल्ड कॉमोडोर 64। हमारे सर के पास हुआ करता था क्या? उसके अंदर भी एक सिर्फ बाइनरी हुआ करता था, वो कब की बात कर रहे हैं? बाकी नहीं, वो कब की बात कर रहे हैं? सर 1982। नहीं, हम लोग देखो, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के वो है ना यूजर। आपने लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, शायद सुना होगा, दो टाइप्स की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो शुरू में जो लो लेवल थी ना, शुरू में जो पहली लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज आई थी ना, वो बाइनरी लैंग्वेज ही थी, यानी सारी कोडिंग बाइनरी फॉर्म में होती थी। अब ये वही लोग करते थे जिन्होंने बाइनरी को इन्वेंट किया था, है ना। बाद में सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर आया ना, उसमें आई थी वो असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये सबसे हार्ड थी बाइनरी, और असेंबली लिटिल हार्ड थी क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिक को, मतलब ह्यूमन कोड, ह्यूमन वर्ड्स को भी इंक्लूड किया था, प्लस बाइनरी फॉर्म को भी। तो असल जो हम जिसको अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज आई, पास्कल आई, बेसिक आई, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो प्योर ह्यूमन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करती है। मेरा पॉइंट समझ में आया? तो पहले जो था ना, हाँ, बाइनरी लैंग्वेज ही यूज होती, लेकिन बाद में देखो 1963 से ऑनवर्ड उसने ये एस्की चार्ट लेकर आ गया। ये लिखा ना, रिवाइज वर्जन ऑफ एस्की वाज पब्लिश 1960, और फिर यहाँ लिखा द स्टैंडर्ड एस्की कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ 7 बिट कोड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 127 डेसिमल और 0 0 to 7 100। क्यों 7 बिट था ना, 2 की पावर 7 128 आता है, 2 की पावर कितना आता है, 128 आता है, समझ आए। यस अब ये पढ़ लो, दिस कोड रिप्रेजेंट लेटर्स नंबर्स एंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैरेक्टर्स। ASCII आल्सो इंक्लूड्स 32 कंट्रोल कोड्स रिप्रेजेंटेड बाय कोड 0 to 31 इन डेसिमल और 0 0 to 1 F इन हेक्साडेसिमल। कंट्रोल कोड होते हैं ये, जो एरो कीज वगैरह होते हैं, ये नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल फंक्शन। कोड्स, ओके, कंट्रोल कोड्स आर यूज्ड फॉर नॉन प्रिंटिंग फंक्शंस इन टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ये एस्की चार्ट। अब इसमें देखो 65 का है, डेसिमल का 65, ये रहा, ये एग्जैक्ट डेसिमल का 41 है, और ये कैरेक्टर में ए आ रहा, समझ आ रही। अच्छा, ये हमारी बुक में बना हुआ। हाँ, ये बुक का ही है। और ये देखो 97, 61 एग्जैक्ट डेसिमल और स्मॉल है। समझ आ गया। यस
अब ये देखो एक्सटेंडेड एस की यूज 8 फिट 4 0 to 2 5 मतलब 2 power 8 दिस गिव्स अनदर 124 टू अलाउ फॉर करेक्टर इन नॉन इंग्लिश अल्फाबेट एंड फॉर सम ग्राफिकल करेक्टर टू बी अच्छा अब इसके डिसएडवांटेज आ गए कि ठीक है हाँ एस्की में सिर्फ हम इंग्लिश कोड कर सकते थे ना। इंग्लिश यही तो डिसएडवांटेज है जब भी तो यूनिकोड आया है अब ये स्टैंडर्ड एक्स की 128 से ऑनवर्ड दिखाया ये बाकी तो वही था ना ये तो नहीं दिया था। नहीं याद कुछ नहीं करना फिर समझ रहे अच्छी बात है। याद करने बैठ गए तो पता नहीं क्या होता है जब आ गए यूनिकोड ये देखा 4 बाइट्स दिया हुआ है 4 बाइट का मतलब क्या हो 32 बिट अगर आप 2 पावर 32 लगाएं तो अब मिलियंस में करेक्टर आ जाएंगे ये देखो जी सैंपल समझ आएगी बात अब ये इसका क्वेश्चन है सर एस्की में 7 बिट और एक्सटेंडेड एस्की में 8। अच्छा नंबर ऑफ करेक्टर्स हाँ सॉरी 127 बाइनरी फॉर 127 फॉर एस्की ने एक्सटेंडेड एस्की में 255। आप वो भी बता सकते हो 7 बिट 2 पावर 7 लिख सकते हो सही है और 2 पावर 8 लिख सकते हो ये देख 128 या 2 पावर 7 ठीक है 2 प्लेसेस या 2 पावर 8 समझ आ गई यस तो पढ़ो इसका क्या आंसर होगा ये एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस के ये वर्ड एस हाउस इज एसटी करेक्टर अच्छा पहले इस ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसको नहीं हम हेक्साडेसिमल में नहीं है अच्छा ये हमारे हाई लेवल में वो जो हाउस टेबल है उसके 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 उस इक्विवेलेंट रख के हम फिर करेंगे अभी वो आपसे कन्वर्ट करने को नहीं कह रहा है वो कह रहा है एक्सप्लेन करो हाउ अ वर्ड सजेस्ट हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसटी का यानी प्रैक्टिकली नहीं करना सिर्फ हाउ यानी लाइक आप इस कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट हाँ मतलब करेगा कैसे इसको यूज करेंगे किस तरह कन्वर्ट होता है ये आइडिया है डिस्कस कर लें नहीं पता मैं नहीं पता वही पता ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड ऐसे ही ना यही बताया था आपको ये तो मैंने क्या यही कहा था हाँ मतलब तो कन्वर्ट इसको नहीं कर चेंज हाँ करेंगे कन्वर्ट अच्छे नहीं से करना था जैसे आप कहेंगे ईच कैरेक्टर हैज यूनिक क्या कहते हैं कोड है तो अच्छा सही 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 और फिर कह रहा है ईच कैरेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस बाय इट्स कोड ठीक है द कोड आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर इन द वर्ड समझे जिन्हें से एक भी पॉइंट मिस हो गया तो क्या वो दो मार्क्स नहीं दे पा। 2 पॉइंट लिखने हैं मतलब इसको इन तीनों को मिला के 2 पॉइंट बना दो
ठीक है। समझ आया? यस 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 यूनिकोड इज अ डिफरेंट करेक्टर सेट, ठीक है। द यूनिकोड वैल्यू फॉर द करेक्टर वन इज बाइनरी वैल्यू 49। हाँ इसको पढ़ो। 49 फिर से मैं वैल्यू फॉर द यूनिक कोड कैरेक्टर 1 बाइनरी वैल्यू 49 बाइनरी 2 इज द डेसिमल ये 49 को हमने 49 को है इधर डेसिमल। यहाँ पर करूँ ठीक हाँ यही भी कर लो। यस उमर कैन यू से समथिंग। यस हेलो जी जी बोले। आप बताएं अपने बारे में, सॉरी अपना इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। माय नेम इज मोहम्मद उमर आई ओके स्टडी इन जेम्स वेस्ट मिनिस्टर स्कूल ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस ए लेवल्स यस रिक्वायरिंग ट्यूशंस दैट्स माय नेम ओके ओके व्हाट यू हैव डन राइट नाउ टिल नाउ। टिल नाउ स्कूल स्टार्टेड लास्ट वीक सो वी ओनली स्टार्टेड बीसीडी बाइनरी कन्वर्जन्स ओके बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डन बाइनरी कन्वर्जन। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट What have you done? बाइनरी कन्वर्जन वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस क्लास Okay. बट वी No, कैन it's डू। fine. डू यू नो अबाउट करेक्टर सेट? एस की चार्ट, No. एस की चार्ट, यू नो एस की चार्ट, अमेरिकन सेंट Yeah, फोर, I अमेरिकन know सेंट that, and फोर। also the extended version. ओके Not the whole thing, like the exact values and numbers that are used, only the overview I know what this is and how many bits each register uses, etc. राइट नाउ अवर करंट टॉपिक बेसिकली आवर करेक्टर सेट गोइंग ऑन। Okay. दिस हैज बीन Okay. डन बाय स्टूडेंट। 49 इज अ डेसिमल वैल्यू एंड दिस कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल। डू यू नो कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल? Yeah. ओके जी आपका आंसर सही है अब्दरमान। ठीक है Okay, sir. आंसर इज राइट। यहाँ पे देखें इन्होंने पूछा है कि यूनिकोड इज अ डिफरेंट करेक्टर सेट। ये आजकल यही यूज हो रहा है कि द यूनिकोड वैल्यू फॉर द करेक्टर वन इज डिनोटेड बाय द इन बाइनरी 49। राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द यूनिकोड इट हैज बी वन। ओके दिस इज द आंसर। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन उमर कैन यू डू दैट? Write the denary value for Unicode character 5. Character 1 was 49, right? या 49? So do we multiply it by 5? नो नो बेसिकली आई एम टेलिंग यू अगेन 48 इज इक्वल टू 46। 0 इज इक्वल टू 48। ओके इन Okay. डायरेक्ट इन डायरेक्ट इन एस टी चार्ट। ओके बेसिकली व्हेनेवर वी Okay. यूज व्हेनेवर वी प्रेस अ की फ्रॉम कीबोर्ड योर कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बट बिफोर बाइनरी फॉर्म इट हैज इट्स डेसिमल वैल्यू।
जीरो डेसिमल पोजिशन इज 48 एंड 48 इज कन्वर्टेड इन बाइनरी फॉर्म. ठीक, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन इट टेल अस 1 इज 49, 1 इज 49. सो 49. यू कैन काउंट आउट, तो 2 विल बी 50. Yeah. So 5 will be 53 then. या 5 विल बी. जी फजल, So 16 divided by 53. सर नहीं, अभी तो इन्होंने पूछा है कि 5 की वैल्यू क्या है. ठीक है, अभी तो हम, ठीक Okay, है, that's दे हैव 53. आस्क्ड कि 5 इज द, व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू ऑफ 5. फजल, आपको समझ में आ गया? Yes. इसका आंसर है 53. हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि 0 इज इक्वल टू 48, तो फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, और याद रखें जब हम ए प्रेस करते हैं, ये ए है ना, ये इक्वल टू 65 है बाइनरी, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइनरी, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और अगर ये स्मॉल ए है, ठीक है, इट इज 97, दैट कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म. ये हमारी बात समझ में आ गया आपको? जी नाउ सी दिस वन, करेक्ट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा. द फॉलोइंग टेबल शोज पार्ट ऑफ द एस्की कोड करेक्ट सेट. तो डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूज एस्की कोड टू रिप्रेजेंट करेक्टली. आपको याद करना कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ 3 लेटर याद रखे. ठीक है, कैपिटल ए इज 65, बस ये याद रखना है, बाकी आपने फिंगर टिप से काउंट कर लेना है. स्मॉल ए इज 97, ठीक है, बाकी आपने फिंगर टिप पे काउंट कर लेना, और 0 इज 48. देखो, उन्होंने आपको टेबल दिया हुआ है. दैट इज आस्किंग डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूजेस एस्की कोड टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स. बस जरा आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन करना है जैसे पहले किया था. सर, ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन सेपरेट कोड इन द लाइक इन द टेबल, इन द एस्की कोड टेबल, एंड देन द एस्की कोड इज लाइक स्विच्ड विद लाइक रिप्लेस्ड बाय द कैरेक्टर दैट इज द कैरेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय द एस्की कोड इन द टेबल, एंड दो ठीक है, हाँ, मार्क्स. 2 पॉइंट तो आपने बताने जो इससे रेलिवेंट है. अच्छा, क्या नाम है उमर? हमारा मेथड ही होता है कि हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस टॉपिक के जितने भी पेपर वाइज क्वेश्चन होते हैं उसको भी पैरेलल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपकी डे वन से ही तैयारी हो. ओके सर, तो ये हमारा बेसिकली, हमने बाइनरी कन्वर्जन कल ही कर लिया था, तो जो कन्वर्जन कहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पेपर वाइज क्वेश्चन भी हमने कल कर लिए थे, लेकिन हम आपके साथ ही रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, लेटर ऑन 8 बजे की आपकी क्लास 8 से 9 होती है. ठीक है, आप ऐसा पहले आ गए थे. हाँ, अच्छा ये आपकी हमारी क्लास होती है फ्राइडे सैटरडे संडे 8 से 9. ठीक है, और जी, फ्राइडे सैटरडे एंड 8 से 9. व्हाट्स द पॉइंट? जी अब ये देखो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन, इन्होंने दोबारा पूछा है. ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक कैरेक्टर कोड, ये आपने पहले बताया, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इसकी बेसिक आंसर है. तो फिर कह रहा है कि द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन सी. बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन, अभी मैं आपको शो कर देता हूँ. एस्की कोड मे बी 7 और 8 बिट. स्टैंडर्ड जो एस्की था वो 7 बिट था, जिसमें 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते थे. फिर एक स्टैंडर्ड आ गया 8 बिट, जिसका मतलब 256 कैरेक्टर हो गया, लेकिन फिर भी इनफ नहीं था, इसीलिए फिर यूनिकोड को रिप्रेजेंट किया गया. ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ये नॉर्मल था 7 बिट कोड. यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं. तो ये देखो 65, ये एग्जैक्ट ऐसा 41, और ये कैरेक्टर. तो ये जो 65 है ना, ये बाइनरी में कन्वर्ट है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर रहा है. स्मॉल ए देखें, ये 97 आ रहा है, 97, 61, और ये स्मॉल ए. ठीक है,
और ये एक्सटेंडेड है, ये 0 से 2 के करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट 128 56 करेक्टर, ठीक है। और उसके बाद यूनिकोड आया था, यूनिकोड जो है बेसिकली ये इनिशियली 16 बिट था, उसके बाद ये 32 बिट आ चुका है, ठीक है। 4 बाइट कौन से 32 बिट, 42 बिट्स, कैन फाइंड आउट कि मिलियंस ऑफ कैरेक्टर कैन सपोर्टेड बाय यूनिकोड, ये यूनिकोड का स्क्रीनशॉट है हाउ टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूछा था एक्सप्लेन हाउ आई वर्ड सेट इज हाउस इज रिप्रेजेंट बाय द कैरेक्टर फैक्ट्री, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड, जैसे कैपिटल ए का 65 का ईच कैरेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस बाय इट्स कोड, तो जब हम कैपिटल कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं लाइक कैपिटल ए तो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म, कोड आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर इन द वर्ड, ये एक ऑर्डर में स्टोर, कंप्यूटर नेवर हैज सेंड कि आपने क्या प्रेस किया, तो ओनली सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी फॉर्म, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, एनी प्रॉब्लम फजल नो आपको क्लियर है? यस नाउ सी दिस, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू एसटी कोड, अब आपने इसको एसटी कोड के पॉइंट ऑफ से कन्वर्ट करना, फजल आप बताएं बी का एसटी कोड क्या होगा? सर, ये 64 था ना? अच्छा, नहीं, ए 65 है, बी ये 65 था, फिर भी 66। 66 हो जाएगा। ओके नाउ उमर, स्मॉल ई इसका कैस्टी कोड क्या होगा? स्मॉल ए का होता है, इन्होंने पीछे टेबल दिया होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये होता है 97, ठीक है 97, 97 बाकी आप फिंगर टिप पे काउंट कर सकते हैं, स्मॉल बी 98 होगा, 101 101, ठीक है, इसके आगे वो 101 लगा देंगे, ठीक है। और स्मॉल डी, ठीक 102 है, पहले आता है 100 होगा, ठीक हाँ सॉरी है। फजल डी आपके समझ में आ गया सीक्वेंस, ये देख लें आप लोग, ये बताएं फजल49 था ना डीनरी वैल्यू। नहीं, देखो ये स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, आपने स्मॉल ए चलो से जो कैरेक्टर में आप दिया हुआ। स्मॉल, हाँ वो 49 है ना नंबर का, स्मॉल ए है 97, अब आप काउंट करें टी कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो जी फजल आप बताएं स्मॉल टी का नंबर क्या होगा डायनेमिक वैल्यू? हंड्रेड सर 117 सेवन 118 117 बढ़िया। होगा सर, उमर आप बताएं, 118 119 के करीब। ये 116 है, फिंगर टिप में बहुत केयरफुली काउंट कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसको हेक्साडेसिमल, ये डायनरी आ गया, अब आपसे कह रहे हैं कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, और आप कर लेंगे, आपने किया हुआ डायनरी टू जी जी हेक्साडेसिमल, जी ट्राइड, आप स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। या आपने पीस ऑफ पेपर पे करके मुझे बता सकते हैं।
आप भी करके रखें, लेकिन आपको ठीक है। ओके। और क्या आंसर है? उम्र आप बताएं। 74 आई एम। 74। अब जरा फजल, क्या रहा फजल, आपका क्या आंसर है? ठीक मेरा भी 74 है सर। है, बिल्कुल सही। क्या आंसर आ गया? नौ सी दोस्तों। यहाँ पे वो कैरेक्टर सेट को डिफाइन करने को, है नहीं आइडिया की। फजल आप बताएं। सर कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू डिनोट लाइक द डिफरेंट लाइक द अल्फाबेट्स एंड द कैरेक्टर सेट इज यूज्ड टू डिनोट द कैरेक्टर्स इनटू और द सिंबल्स इनटू लाइक अ डिनरी वैल्यू व्हिच इज देन इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर। ओके आपको कुछ आइडिया है? क्या नाम है उमर? ठीक डेफिनेशंस की नहीं अभी तो। है, क्या नहीं ये बताएं इसका आंसर क्या होगा? नहीं आप जो चूज तुम करेंगे, हाँ मतलब जैसे कोई भी चूज करेंगे उसका डिफरेंस आप बताएं। तो कैरेक्टर सेट है, यूनिकोड वगैरह कैरेक्टर सेट है ना। हाँ जैसे आपने कहा एसटी हो गया पहला, अगर आपने एस की लिया है, दूसरा क्या होगा? कोड यूनिकोड है इसमें, फिर आपने डिफरेंस निकाला एस्की में 7 to 8 bits होते हैं और यूनिकोड में 16 to 32 bits। है। 16 बिट से स्टार्ट हो गया। ठीक है जी सर, पता नहीं क्लियर आपको पार्ट पार्ट टू उसको सर देखते हैं। तो ये बेसिकली करेक्टर सेट की डेफिनेशन दी हुई है, ऑल ऑफ द करेक्टर और सिंबल दैट द कंप्यूटर कैन सी। करेक्टर सेट का मतलब है ऑल ऑफ द करेक्टर और सिंबल दैट द कंप्यूटर कैन सी और रिप्रेजेंट। अच्छा, और उसके बाद में बताया है सेकंड पॉइंट, ईच करेक्टर है द यूनिक नंबर, ये आपने लास्ट को कहा, और बाइनरी नंबर और एडिट कर सही है। तो डिफरेंस जैसे आपने एस की का लिया और यूनिकोड, एस की है 7 बिट, देयर इज यूनिकोड है 6 बिट, ये बता सकते हैं। या अगर स्टैंडर्ड एस की का ले रहे हैं, स्टैंडर्ड एस की है 8 बिट, देयर इज यूनिकोड है 6 बिट, और अगर एस की है 7 बिट, देयर इज स्टैंडर्ड एस की है 8 बिट। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओके पॉइंट क्लियर।
अच्छा, अब हम फाइल साइज के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, हाउ टू कैलकुलेट फाइल साइज। हाँ पढ़ा हुआ आपने ओ लेवल किया हुआ, ओ लेवल कंप्यूटर, जी, ओ लेवल किया। उसमें आपने फाइल साइज कैलकुलेशन पढ़ा होगा। ठीक है, जी तो वो याद है। दो तीन फॉर्मूला लिखे थे बुक में लंबे, वो अच्छा, बस रिवाइज करने पड़ेंगे। बार अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसी पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल साइज है, वो मैं आपको बताया था। अच्छा, इसको अच्छी तरह समझ ले, ये इसका सीक्वेंस। फाइल का जो साइज है ना, वो आपको नंबर ऑफ पिक्सल में दिया होगा, है ना। तो अगर आप, आपको याद है ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा आपने। ये फर्क, आपने पढ़ा हुआ ये टॉपिक, नहीं नहीं सर, पढ़ा। असल में जो फाइल होती है ना, वो बेसिकली फाइल को जिस तरह होती है ना, हॉरिजॉन्टल या इसको स्क्रीन को समझ लें, ये आपका क्या होता है विड्थ और ये हाइट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं वो पिक्सल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर मैं ऐसे डॉट डॉट लगाऊँ, ये डॉट लगाया, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये मैंने, मैं पिक्सल को अरेंज करता जाऊँ, तो ये क्या नज़र आ रहा है, आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यस पिक्सल के बारे में आइडिया है, व्हाट इज पिक्सल? यस सर, वो पिक्सल्स दे आर यूज्ड टू लाइक रिप्रेजेंट लाइक एन इमेज। इमेज बेसिकली यस पिक्सल टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट होता है। पिक्सल इज अ लाइट, पिक्सल इज अ लाइट। राइट जब हम इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज करते हैं ना, तो ये इमेज बन जाता है, इमेज ऑन स्क्रीन, है ना। जब हम पिक्सल्स को, जैसे मैंने आर बनाया ना, तो वर्टिकली और हॉरिजेंटल, तो एक आर बन गया, आर इज इमेज। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता है इमेज का साइज दिया होता है, साइज का मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल आपको गिवन होता है, विड्थ वाइज और हाइट वाइज। ठीक है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसका फार्मूला ये है, वाइड इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा, पिक्सल को सपोर्ट चाहिए होती है बिट्स की, क्योंकि पिक्सल इटसेल्फ इज अ लाइट, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसको हम बिट असाइन करते हैं। बिट दो ही होती हैं, 0 एंड 1। तो हम वन, अगर हम एक पिक्सल को 1 बिट असाइन कर दें, ठीक है, अगर हम एक पिक्सल को 1 बिट असाइन कर दें, अच्छा नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है, 2। अगर हम उसका कहें 1 पिक्सल कैन हैव 1 बिट, तो ये बेसिकली 2 कलर प्रोड्यूस करेगा आपका मॉनिटर। ये पॉइंट क्लियर? असाइनिंग अ बिट इज कॉल्ड कलर डेप्थ, कलर डेप्थ भी कहते हैं, और बिट पर पिक्सल भी कहते हैं। बड़ा ही कॉन्सेप्ट, बिट पर पिक्सल। बिट पर पिक्सल का मतलब यह है कि एक पिक्सल को आप कितनी बिट असाइन कर सकते हैं। अगर हम उसको 1 बिट असाइन करेंगे ना, तो आपका मॉनिटर सिर्फ 2 कलर प्रोड्यूस करेगा, और ये शुरू ब्लैक में एंड ऐसे ही होता व्हाइट, है। हाँ बोले, ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट सर। एंड व्हाइट, बिल्कुल वो ग्रे होता था कुछ। ठीक है, तो ग्रेजुअली हमने नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करते गए, तो जब आप बिट्स इंक्रीज करेंगे तो फाइल का साइज भी इंक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा मैं 2 बिट असाइन कर देता, तो ये 4 कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, 2 पावर 3, यानी अगर मैं 8 3 बिट असाइन करता हूँ तो आपका मॉनिटर 8 कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं इसको 4 बिट असाइन करता हूँ तो ये 16 कलर आ जाएगा, अगर मैं 2 पावर 8 कर देता हूँ तो ये बेसिकली आ जाएंगे 256 कलर, और अगर मैं 24 बिट असाइन करूँ तो ये बन जाते हैं कितने, यानी पहले 16 बता दूँ ताकि फिर आइडिया हो जाएगा, अगर मैं इसको 16 कलर देता हूँ, आपका मॉनिटर जो है ना 65,000 कलर प्रोड्यूस करेगा।
और अगर मैं इसको 24 बिट असाइन करता हूँ तो ये 16.3 मिलियन कलर प्रोड्यूस करेंगे। आप लोगों ने टू टू के सुना है? 2K, 4K, 8K, ये क्या होता है? रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। हाँ रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन इसी तरह प्रोड्यूस की जाती है कि 2K माइट के वो कितने कलर वो प्रोड्यूस कर सकता है। 2K का डबल 4K है, 4K का डबल 8K है, तो इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कि फाइल साइज किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, कि आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पिक्सल दिए हो, दिस मस्ट बी गिवन, आपने मैनुअली इसको कैलकुलेट करना। फिर आपसे कहा जाएगा कि ये जो इमेज फाइल है, ये जो फाइल है ये, इसको हमने 24 बिट दी हुई या 16 बिट दी हुई या 8 बिट दी इन एनी केस। तो फिर सेकेंड स्टेप होता है कि आपने नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। अब नंबर ऑफ बिट का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट कर लिए, उसको बिट पर पिक्सल से मल्टीप्लाई कर, ये 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, पहला स्टेप ये जी है कि आपने ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पिक्सल, ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा। और फिर आपको ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ बिट्स, एक पिक्सल को कितनी नंबर ऑफ बिट देनी, फर्ज करें 8 बिट देनी, तो आपने बिट पर पिक्सल से उसको मल्टीप्लाई कर, तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि 1 बाइट कितनी बिट, कितनी 1 बाइट कितनी बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है, ये पता है ना आपको? जी 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के। अच्छा, चूंकि आपका आंसर बिट्स में आया हुआ है, तो बिट्स से बाइट में जाना है, बिट्स से, तो जब भी आप बिट्स से बाइट में जाएंगे तो बिट्स को डिवाइड कर देंगे 8 से, ये याद रखिएगा, ये मैंने बनाया हुआ है, नंबर ऑफ बिट डिवाइड बाई 8। जब भी आपको बिट से बाइट में जाना है आपने उसको डिवाइड बाई 8 करना। इवन सम टाइम ये होता है कि ये बिट पर पिक्सल है ना, ये 8 दिया होता है, तो अब यहाँ अब फर्ज करो ये 1000 आया, तो आंसर होगा 8000, आपने दोबारा इसको 8 से डिवाइड करना, ठीक है, 8000 बिट्स आ गए, 8000 बिट्स आ गए, मैं दोबारा 8 से डिवाइड करूँ, आंसर दोबारा 1000, लेकिन अब ये 1000 बाइट है, पिक्सल नहीं है, समझ आई बात? यानी इसने कहा कि 10 वाइट है और 100 हाइट है, तो आपका आंसर 1000 आएगा, तो ये 1000 क्या है, पिक्सल आया। और उसने कहा 8 बिट्स पर पिक्सल, तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 आया, अब ये 8000 क्या है, बिट्स। अब मैंने बाइट पे जाना है तो मैं इसको 8 से ही डिवाइड कर दूँ, तो 1000 बाइट सारे, ये पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, बस को मैं एंड करूंगा बस, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास नंबर ऑफ क्या आ गया, नंबर ऑफ बाइट्स आ गया। अब बाइट से आपने के बी बाइट पे जाना, के बी बाइट का मतलब होता है 1000, तो आपने नंबर ऑफ बाइट को 1024 से डिवाइड कर, नंबर ऑफ बाइट्स को फर्स्ट करो, ये 1024 बाइट्स आ गई, 1024 से ही डिवाइड करूंगा, तो ये 1 KB बाइट आ जाएगा, 1 KB बाइट आ जाएगा, इस तरह आंसर निकाल। और अगर आपने मे बी बाइट में जाना है, मेगा बाइट में जाना है, तो नंबर ऑफ के बी बाइट को 1024 से दोबारा डिवाइड कर, ठीक है, और नंबर ऑफ गीगा बाइट, जी बी बाइट में जाना है, तो नंबर ऑफ मे बी बाइट को 1024 से दोबारा डिवाइड कर। समझ आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी नहीं सर, मतलब आपको समझ में आ गया? तो नहीं सर, ये सीक्वेंस है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। उमर आप बताएं, आपको याद आया कुछ? इसी तरह करते थे? जी, अच्छा, ये 1000 वाला सिस्टम है ना, ये वाला, ये जो ऊपर बनाया, ये 1000 वाला है, ये बड़ा आसान था। अब इसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, और ये सारा आपको मैनुअल करना आना जी, कि अब आपको यहाँ परेशानी होती है कि 1024 से कैसे डिवाइड करें, ठीक है, इससे आंसर निकालना थोड़ा सा, इसको मैनुअल प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा इशू है कि ये, सर हाँ, नंबर ऑफ पिक्सल, जो नंबर ऑफ पिक्सल आपने फाइंड करना है, ये ज़्यादा दिया होता है, जैसे 1024 दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करें जी 2048 से, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये आपने ओ लेवल में देखा था, काफ़ी बड़ी लार्ज कैलकुलेशन दी हुई, तो ये आपको मैन्युअली जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ए लेवल में इतना ज़्यादा आता नहीं है, ए एस में इतना ज़्यादा नहीं आता, बट
बट आपको बस ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, फिर ये नंबर ऑफ बिट 8 बिट होगा, बिट 16 बिट दो 24 बिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 8 करना है आपको। बिट से बाइट में जाएंगे डिवाइड बाई 8 करेंगे, बाइट से किलो बाइट में जाएंगे तो 1024 जाए करेंगे, किलो बाइट से मेगा बाइट में जाएंगे अगेन 1024 डिवाइड करेंगे, और मेगा बाइट से दोबारा गीगा बाइट में जाएंगे तो अगेन 1024 से करेंगे। तो आपने याद रखना 1 तो 2 पावर 10, तो ये आपका आंसर के बी बाइट में आ जाएगा, ठीक है। 2 पावर 20 का आंसर आपका मे बी बाइट में आ जाएगा, ये पूछते हैं, और 2 पावर 30 का मतलब आप गीगा बाइट में एंटर हो डायरेक्टली, समझ आए। 2 पावर 10 का मतलब के बी बाइट में चले गए, 2 पावर 20 का मतलब मे बी बाइट में चले गए, और 2 पावर 30 का मतलब आप गीगा बाइट में, जी बी बाइट में। ये आसान था, ये अब यूज नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, काफी आज के लिए। ये उमर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक नहीं है। तो कल दोबारा 8 बजे हमारी क्लास होगी, इसी टॉपिक को सही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। लव